शेयर बाजार में आज यानी कि बुधवार को मामूली बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रही हैं और लगातार जिस तरह से शेयर बाजार अप डाउन हो रहा है उसी आशंका जताई जा रही कि आगे और इस प्रकार के हालात देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सेंसेक्स 91 अंक बढ़कर 61,510 पर बंद हो गया है। शेयर बाजार में मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 91 अंक मजबूत होकर 61,510 पर बंद हुआ है। वहीं एनएसई निफ्टी 23 अंक पर बढ़कर 18,267 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 16 शेयर में गिरावट और 14 में तेजी रही। आज टॉप गेनर्स में रहे SBI, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और सन फार्मा मारुति के शेयर, और जबकि आज टॉप लूजर्स में टाइटन, एयरटेल, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पार्ट्स, हीरो मोटोकॉप और पावर ग्रिड ट्रेकेम के शेयर सबसे अधिक टूटे।